जा ही नहीं रहे भाई, हार जाएगा इसमें मुझे लगता है, पहले निकल के फिर क्या फायदा रहा। 107 भैया। सो व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे आप सब, उम्मीद करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो कंपैरिजन टेस्ट है काफ़ी हद तक अलग होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऐसे दो बाइक्स खड़े भाई, दोनों इस टाइम की लेजेंडरी बाइक है। एक तो होंडा की एसपी शाइन, जो कि हाल ही में काफ़ी धूम मचाते हुए निकल रही है, एंड उसके बाद यहाँ पे नई हाल ही में जो लॉन्च हुआ हीरो की एक्सट्रीम 125 वाला लुक बेसिक अलग कर दिया इस बार एक्सट्रीम, मतलब हीरो वाले ने। एंड होंडा की तो बात ही अलग भाई, होंडा की इंजन की रिफाइनमेंट काफ़ी हद तक होने वाली है भाई, तुम हार जाओगे इस बार। एंड काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्स होने वाली इसकी। अगर हम बीएचपी की बात करें तो आपको इसमें 11 BHP 10 Nm का टॉर्क मिल जाएंगे, एंड इस पर आपको 10 BHP 10 Nm का टॉर्क हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 1 BHP ज़्यादा है, टॉर्क लगभग सेम ही होने वाली है। दोनों बाइक पे काफ़ी हद तक अलग ही लुक लग रहा है, एक्सट्रीम ब्लैक कलर में तो अलग ही लग रहा है, साइन भी क्या ही भाई लुक लग रही है उसका, थोड़ा लुक में एडवांटेज है और लुक में थोड़ी बेटर लग रही है। एंड प्राइस टू इसी की बात करें तो प्राइस काफ़ी हद तक थोड़ा सा तो चेंज होने वाले, इसलिए इसमें आपको मिल जाएंगे सिंगल चेन एलेवियस, इनको इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल मिल जाएंगे। तो चलो काफ़ी हद तक अभी हम दोनों बाइक्स को भगाएंगे, और बाकी क्या रिजल्ट होते हो तो हम लोग के सामने ही रहेगा, एंड अलग ही बात है। एंड चलो उसका थोड़ा मीटर दिखा देते हैं, ये है एक्सट्रीम का मीटर, अभी जो हाल ही में लॉन्च किया है, इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाती है, एंड यहाँ पे RPM मिल जाएगा, फुल LED वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेटअप। एंड दूसरी अगर साइन की बात करें तो साइन में आपको नॉर्मली ये भी आपको वही मिलता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूलिंग का ये भी, इस पर भी आपको डिस्प्ले मीटर मिल जाती है 0, यहाँ पे स्पीडोमीटर की, टाइमिंग की, गियर्स की कितनी चली है, ये दोनों बाइक की है डिस्प्ले मीटर। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को कैसे लग रहे हैं। बाकी मोड्स वगैरह तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलेंगे, एंड बाकी देरी है तो सिर्फ भगाने का भगाते। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं बाइक पे, एंड भैया चला रहे एक्सट्रीम और हम चला रहे हैं SP होंडा की, तो थोड़ी सी गैप बना लेते हैं पहले, क्योंकि एंड अभी स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं इस बार भैया को कैसे क्या रिस्पॉन्स रहता है। जा ही नहीं रहे भाई, हार जाएगा इसमें मुझे लगता है, पहले निकल के फिर क्या फायदा रहा। ओ भाई हरा देंगे भैया को, तो कह दें से मैं हराते आ रहा हूँ। 100 पहुंच गई, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ओ भैया SP होंडा पे ये उम्मीद था मुझे कि उसको हरा सकते हैं होंडा पे, ये उम्मीद था मुझे कि हरा देगा। भैया तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे भाई, ओ भाई विन होंडा लेके विन भाई, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दी थी कि फर्स्ट के जगह सेकंड गियर्स ड्रॉप करी थी, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्च करने में दिक्कत हो गई थी, पर अगर सच में बताऊँ ना तो होंडा की बात ही अलग है। कहाँ रुकनी है, यही एंड राइडर चेंज करने का टाइम आ चुका है, करते राइडर चेंज। एंड काफ़ी हद तक मैंने साइन से भैया को ऐसे आ रहा है कि दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे भैया। एंड काफ़ी हद तक दोनों बाइक को अभी हम लोग बाइक स्विच करने वाले, इसको भगाया, काफ़ी हद तक मुझे ये कॉन्फिडेंट था कि SP इसको हरा सकती है, एंड अभी इसको भगाएंगे हम एक्सट्रीम 125 आर को, मुझे लगता है इससे भी अब हरा देंगे भाई। इससे पहले मेरे व्हीली उठ गई थी भाई, ऐसा शॉट था। तो चलते अब इसको थोड़ा सा भगाते हैं, इन्जॉय करते हैं, एंड थोड़ा सा आगे कर लीजिए, थोड़ी सी आगे कर लूँ रोड्स, हम लोग खाली जगह पे आते हैं। भाई दोनों बार पीछे कर दिया भैया को, ओहो ओ 82
98. ओ वाह, लास्ट में निकल रही है, 100 पहुंच गई। ज्यादा दूर नहीं है, हरा देंगे इस बार, हरा देंगे पक्का पक्का हरा देंगे। क्या समझ रहे हो, जा रहे अभी हम लोग, जा रहे अभी हम लोग, काफी दूर नहीं चले गए, पास ही में हो, अब तो चली जाएगी। नहीं निकल, पहले निकल गया था इनिशियल में, पता नहीं आज भैया में क्या बात है, इनिशियल में निकल ही नहीं पा रहे, मैं निकल रहा हूँ। एंड ऑल दो मैंने कुछ मिस्टेक्स हो रही है मुझसे, जो स्पीड की बात करूँ तो इसमें भी इनिशियल बढ़िया ही है भैया, मैंने भी उस टाइम भी लॉन्च किया, बढ़िया गई, और इसमें को भी लॉन्च किया, बढ़िया गया। बस थोड़ा सा मतलब बात रहती है, मैंने इसको फोर्थ गियर के बाद फिफ्थ गियर लगाने में थोड़ी सी टाइम लगा दी, नहीं तो काफ़ी हद तक मतलब दोनों बाइक में थोड़ा सा राइडर्स भी मैटर करते हैं, एंड वेट का भी, जैसे मैंने आपको बताया वेट का भी मैटर करता है, पर काफ़ी हद तक रिजल्ट आप लोग के सामने है। एंड इसमें हम लोग क्या ही बताएं, बस हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं आप लोग के एंजॉय के लिए। एंड आप लोग बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है दोनों बाइक भैया, दोनों का रिजल्ट सामने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शीशन अच्छे से रहो, एंड ऐसे ब्लॉग्स एंजॉय करते हो, और ऐसे ऐसे ब्लॉग्स के लिए टू सब्सक्राइब माई चैनल मोटो ब्लॉगर दिलकुश। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।